अवैध शराब ले जा रहे दो व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आरपीएफ थाना नागपुर ने दो आरोपियों को शराब की बोतलों के साथ पकड़ा। इस दरमियान पुलिस ने आरोपियों से कुल 56,525 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया। 9 मार्च को मुखबिर खास से सूचना पर थाना प्रभारी आर एल मीना के नेतृत्व में गठित सीपीडी पीएलटी टीम में तैनात सहायक उप निरीक्षक अश्विन पवार, आरक्षक नवीन कुमार, आरक्षक जवाहर सिंह, आरक्षक राजू मीना, महिला आरक्षक जुमा इंगले द्वारा नागपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ट्रेन नंबर 12722 के आगमन पर सामने के जनरल कोच को चेक किया गया। चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति तथा एक महिला वजनी बैगों के साथ संदिग्ध हालत में मिली, जिससे पूछताछ करने पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। बाद में गहनता से पूछताछ करने पर उन्होंने अपना नाम सुधीर राजेश खंजर उम्र 25 वर्ष निवासी और सारिका खंजर उम्र 23 वर्ष निवासी बताया तथा बैगों में शराब की बोतलें होने का बताया और शराब की तस्करी करने का गुनाह स्वीकार किया। दिनांक 9/3/2022 को ट्रेन नंबर 12722 दक्षिण एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे समय लगभग 17 बजे आई थी। उसी के आगमन से पहले के मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई थी कि उस ट्रेन से शराब की तस्करी की जा रही है, तो उसी सूचना के अनुसार हमने एक टीम बनाकर गाड़ी को चेक करवाया गया, जिसमें गाड़ी में जनरल बोगी से एक महिला जिसका नाम सारिका खंजर उम्र 28 ईयर रहने वाले चंद्रपुर की, एक पुरुष सुधीर राजेश खंजर उम्र 25 वर्ष रहने वाला चंद्रपुर का, दोनों को शराब तस्करी के आरोप में पकड़ा, जिनके पास से कुल 650 के समथिंग बोतल बरामद हुई है। प्रत्येक बोतल की कीमत 85 रुपीज और कुल मिलाकर लगभग 50,000 से ऊपर का माल बरामद किया है, जिनको अग्रिम कार्यवाही हेतु जीआरपी नागपुर को सुपुर्द किया गया है। आरोपी से इस बारे में अभी तक पूछताछ जारी है कि अब मेरे पास रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा कि इसके पहले ये इसमें संलिप्त है या नहीं। ये पानोना से इसमें गाड़ी में चढ़े थे और शायद चंद्रपुर की साइड जाने वाले थे, तो ऐसा अभी तक पहले प्रथम दृष्टया इतनी जानकारी मिली है। उपरोक्त कार्रवाई श्रीमान वरिष्ठ मंडल सुरक्षायुक्त श्री आशुतोष पांडे साहब के मार्गदर्शन में एक टीम बनाई गई है। टीम मेंबर ASI अश्वनी पवार, आरक्षक नवीन कुमार, आरक्षक राजू मीना, आरक्षक जवाहर सिंह, इनके द्वारा ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। उक्त आरोपियों के पास से कुल 56,525 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया गया। बाद में उक्त व्यक्ति तथा महिला को अग्रिम कार्रवाई हेतु वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक लोहामार्ग नागपुर को सुपुर्द किया गया। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज नागपुर।